हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अपर्णा। आपका स्वागत करती हूँ अपर्णा वाकी चैनल में। फ्रेंड, विंटर का सीज़न है और आप मेकअप करने जाते हैं तो मेकअप ड्राई हो जाता है, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताती हूँ आपको और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेकअप किया जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे देखिए, ऐसे एक नीम या कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश आप ले लीजिए। फिर उसे अपने फेस में अच्छे से लगभग 5 मिनट तक रगड़ के मसाज करके वॉश करिए। फिर जैसा कि मैंने एक फेस पैक को पूरे मुंह में 10 मिनट्स या 7 मिनट तक लगाया रगड़ा, उसके बाद मैंने उसे वॉश किया फिर से फेस वॉश से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वो फेस पैक आप कैसे बना सकते हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने मेकअप आपको दिखाया। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो और ला सकूं। ये है मेरा हमाम का नीम एलोवेरा फेस वॉश। इससे मैंने अच्छे से फेस को रगड़ लिया, फिर इसे वॉश कर दिया। अब मैं ले रही एक फेस पैक जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख के कर सकते। दोबारा से मैंने फेस पैक लगाने के बाद फेस वॉश किया। अब मैं मॉइस्चराइज किया फेस को निविया से। अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करने के बाद लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया। फिर मैंने एक कंसीलर वाइट वाला थोड़ा उसे लेके नीचे अच्छी तरीके से लगा के हाईलाइट कर लिया। मैंने लिया हुडा फाउंडेशन, हुडा कॉम्पैक्ट पाउडर अपने लगाया फेस पे और बेबी लिप्स लेके लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया। आईब्रो पेंसिल से आईब्रो को अच्छी तरीके से लगा लिया। अब मैंने एक वाइट कलर का आई शेडो लेके आईब्रो के नीचे लगाया। अच्छे से एक आई शेडो का कलर लेके मैंने आई लिड के ऊपर लगा के आई शेडो लगा लिया। एक हल्का सा लाइट कलर लेके, ताकि ये ब्राइटनेस दिखे थोड़ा आँखी में, थोड़ा सा आँखी के नीचे। और काजल लेके, ये काजल मुझे स्पेशली पसंद है क्योंकि इसे लगाना बहुत ही मुझे ईजी लगता है। आईलाइनर लेके आई मेकअप कंप्लीट किया मैंने। थोड़ा सा मस्कारा लगा दिया। अब कॉन्टोर की टाइम, मैंने कॉन्टोर लिया और उसे अपने चीक पे, नोज़ पे लगा के अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर दिया। ब्लश लगा के मैंने चीक को ब्लश कर दिया, नोज़ को भी थोड़ा सा। तो इस तरीके से मेरा बचा है सिर्फ लिपस्टिक, जो मैंने लगा के मेकअप को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है आप बताइए मेरा ये लुक।